गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज मोनिका एंड आई एम अ केबिन क्रू फ्रॉम लास्ट वन ईयर। सो गाइस जब भी मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ आपने ये दो वर्ड्स तो सुने ही होंगे कि मेरा नाम मोनिका है एंड आई एम अ केबिन क्रू फ्रॉम लास्ट वन ईयर। मैं पिछले एक साल से केबिन क्रू हूँ। केबिन क्रू नहीं पिता है, मीन्स मैं एयर होस्टेस हूँ, फ्लाइट अटेंडेंट हूँ, जो आपको बोल रहे हैं आप बोल सकते हैं। सो गाइज और भी कुछ है मेरे बारे में जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक मैंने कैसे केबिन क्रू की जर्नी, मेरी कैसी जर्नी रही, मेरे क्या क्या अप एंड डाउन्स मैंने फेस किए, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी अगर आप मुझे बताएंगे। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, तो मैं इसके ऊपर जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस पर मैं अपनी जर्नी के ऊपर मैं अपने बारे में वीडियो लेके आऊँगी। ओके सो आगे बढ़ने से पहले आज का जो वीडियो है मैं बता देती हूँ कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ ऐसे बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मुझे पूछे हैं कॉमेंट सेक्शन में, तो आज मैं उनके जवाब आपको देने वाली हूँ। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जो मेरा सबसे पहला कमेंट किया है वो है महेश राठौर जी का। सो वो लिखते हैं, हेलो माय सीनियर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, इट्स इंस्पायर्ड फ्रेशर, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर एंड मैम यू कवर्ड मोस्टली ऑल द थिंग्स एंड डाउट एज वेल। सो गाइज मैंने एक वीडियो बनाया था केबिन क्रू ट्रेनिंग शेड्यूल एंड लाइफस्टाइल के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। सो जो मिस्टर महेश हैं उन्होंने मेरी उसी वीडियो पे कमेंट किया है कि हेलो माय सीनियर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड इट्स इंस्पायर्ड फ्रेशर। ओके सो मिस्टर महेश थैंक यू सो मच। एंड वो आगे लिखते हैं, आई हैव शॉर्ट लिस्टेड एज अ सी सी इन आर एयरलाइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे उन्होंने जो लिखा है इससे यही साबित हो रहा है वैसे कि आप गोएयर में ही सेलेक्ट हुए हैं, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मैंशन करिए मुझे कि आप कौन सी एयरलाइन में सेलेक्ट हुए हैं। वैसे उन्होंने आगे लिखा है, वी Me and my colleagues who were shortlisted on the same day request you to make a small video for how to clear CC training and because due to this pandemically situation we have a good time to make over our communication and many more things. We are just doing everything but we want the right direction, what to do for training, guide us. Thank you so much, very much ma'am, lots of love from my team. सो थैंक यू सो मच इस कमेंट के लिए मिस्टर महेश। और आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है कि सीसी ट्रेनिंग के लिए, लाइक अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है, तो आपने जो वीडियो ऑलरेडी ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर तो देख ही लिया होगा, नॉट फॉर यू बट मैं काफ़ी लोगों के लिए भी यहाँ वीडियो बना रही हूँ, तो उन सभी के लिए हम बता देती हूँ मैं कि अगर आप सीसी ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से आपको उसी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, उसके लिए अगर एक टिप चाहते हैं तो वो मैं यही दूंगी, बेस्ट टिप। सबसे पहले तो अगर आप केबिन क्रू के लिए सेलेक्ट हो गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, आपके अंदर कुछ खास है, आपका इंग्लिश अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कंपनी ने कुछ देखा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका ग्रूमिंग अच्छा है, इसलिए कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है। बाकी सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव करना अब आप अपनी कंपनी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश कर देंगे, तो अब आपको किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि आप अब रिवीजन जो होता है, जो हम स्कूल में भी करते थे, लाइक हम जो स्कूल में पढ़ के आते हैं और वही हम घर आके रिवीजन करते थे, सेम प्रोसेस आपको यहीं फॉलो करनी है। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो सुबह 8 से शाम के 5:30-6 बजे तक, जितना भी स्टडी करवाया जाता है, आप अगेन घर पे जाते हो, आपको फिर से होमवर्क मिलता है, तो पहले जितनी पढ़ाई आपकी ट्रेनिंग में हो गई है आप उसे पहले से घर आके रिवाइज करो, एक बार रिवाइज करो, दो बार रिवाइज करो, जब एक बार वो पूरा याद हो जाए आपको तो अगेन आप उसको बिना देखे आप मिरर में प्रैक्टिस करो आपने क्या पढ़ा। अगर आप किसी कलीग के साथ रहते हो तो आप उसे भी, दोनों आप एक साथ एक दूसरे से क्वेश्चंस कर सकते हो, इससे भी आपका प्रैक्टिस होगा। और जब हम एयरबस पढ़ते हैं, जब हम जाते हैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग में, हमें एयरबस पढ़ाया जाता है, तो हमें कैसे एयरप्लेन पूरा बनाना सिखाते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो घर जाके, उसके कहाँ कितने डोर्स होते हैं, लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो आप इस तरीके से रिवीजन करोगे, नेक्स्ट डे जब आप वापस क्लास में जाओगे तो उस चीज़ का क्लास टेस्ट होता है कि आपने क्या कल पढ़ा था, आपको वो रिवाइज है या नहीं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको माइंड में रहेगा। और इसी तरीके से आप पूरी ट्रेनिंग, जब पूरी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी ना, रोज़ आप ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़कर आओगे, घर में रिवाइज करोगे, नेक्स्ट डे फिर क्लास टेस्ट होगा, तो आप उसमें अच्छे नंबर लेकर आओगे। यही मेरा एक टिप है, अगर आपको केबिन क्रू की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है तो आपको अपना रिविजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। ओके सो गाइस बढ़ते हैं हमारे सेकेंड कॉमेंट की तरफ, जो किया है मिस पायल त्यागी जी ने, और वो लिखती हैं, हाय मैम, यू आर आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच पायल। माई हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर, BMI is 21.5, कैन आई एबल फॉर दिस जॉब एंड आर यू अ पार्ट ऑफ गोएयर नाउ।
सो मिस पायल जी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्चुअली इस कमेंट पे रिप्लाई किया था कि नाउ आई एम स्टिल कैबिन क्रू इन गोवा। सो आपका जो क्वेश्चन है वो है कि मेरा हाइट 155 सेंटीमीटर है, बीएमआई इज़ वेरी गुड, आपका 21.5 है, एक हेल्दी बीएमआई होता है, पर ये आपके हाइट के अकॉर्डिंग है, मतलब एक हाइट के अकॉर्डिंग आपका अप्रोप्रिएट है सारी चीज़ें, बट हाइट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द एयरलाइन, क्योंकि एयरलाइन का जो हाइट क्राइटेरिया है वो पहले 155 सेंटीमीटर हुआ करता था, चाहे वो स्पाइस हो, इंडिगो हो, गो एयर हो, बट मेरे गो एयर में जहाँ तक मुझे पता है अब क्राइटेरिया 155 से बढ़ के लड़कियों के लिए स्पेशली 160 हो गया है, और लड़कों के लिए भी बढ़ गया है 172 या 174 समथिंग हो गया है। सो आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राउंड स्टाफ में भी ट्राई कर सकते हो, एंड यू कैन सर्च ऑल्सो, अगर किसी और एयरलाइन में अगर 155 क्राइटेरिया है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो कमेंट है वो किया है मुझे अंजलि राजू ने, वो लिखती हैं, डू मेक द अदर वीडियो यू मैंशनड बिकॉज राइट नाउ गोएयर इज़ हायरिंग पीपल एंड इट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल, थैंक यू, एंड आई मी मस्ट से दैट योर डेडिकेशन इज समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी मैम, सो थैंक यू सो मच अंजलि जी। वैसे आपने मुझे इसमें लिखा है कि गोएयर इज़ हायरिंग पीपल राइट नाउ, सो मिस अंजलि जी, आई डोंट नो कि इस वक्त गोएयर हायर कर रही है, मुझे नहीं पता आपने कहाँ पढ़ा है, या फिर अगर आप इस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए कन्फर्म हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे मैंशन करिए कि गोएयर कहाँ कब हायर करिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अभी इतनी ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब है, क्योंकि जो ऑलरेडी क्रू फ्लाई कर रहे हैं लाइक अस, हम जो क्रू हैं, हम जो ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं, हम भी अभी फ़िलहाल अपने घर पर ही हैं, क्योंकि दिल्ली से डिपार्चर्स नहीं हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन काफ़ी जल्दी ये सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, हम फिर से नेक्स्ट मंथ तक बैक टू ड्यूटी हो सकते हैं, एंड गाइज जैसे ही सारी चीज़ें ठीक होगी वैसे ही फिर से गोयल अपने इंटरव्यू स्टार्ट करेगी, बट जहाँ तक मुझे पता अभी इंटरव्यूज़ नहीं चल रहे हैं, बट अगर चल रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैंशन करिए कि कहाँ पर चल रहे हैं और कितनी रेट में उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मुझे कॉमेंट किया है मिस अमृता सिंह ने, और वो लिखती हैं, मैम आपने सारा इंटरव्यू हिंदी में दिया था या इंग्लिश में? सो ये बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंटरव्यू है सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, आपको यहाँ हिंदी अलाउड नहीं होती है, दिस इज़ द प्रोफेशनल इंडस्ट्री, ये एयरलाइन है, ये लाइक यहाँ पे तो बिना इंग्लिश के कुछ काम ही नहीं चलता है, आप नॉर्मली जब एक दूसरे से बात कर रहे हो लाइक इन ट्रेनिंग या फिर अदर देन ट्रेनिंग तो आप हिंदी में बोल सकते हो, बट इन इंटरव्यू, स्पेशली इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो तो वहाँ आपको पूरा इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगर आपने थोड़ी सी भी वहाँ हिंदी प्लस कर दी, जोड़ दी, तो आप आउट हो जाओगे, सो प्लीज़ आपका इंग्लिश चेक किया जाता है, आपका ग्रामर चेक किया जाता है, तो आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू की तैयारी करिए। ओके, सो गाइज नेक्स्ट कमेंट है मिस दिशा जायसवाल जी का, एंड वो लिख रही हैं, प्लीज़ कैन यू टेल मी मैम कि ज़्यादातर गोएयर के इंटरव्यूज़ कहाँ होते हैं? तो गोएयर के इंटरव्यूज़ नॉट ओनली गोएयर्स बट मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस, स्पाइस, इंडिगो, विस्तारा, गोएयर, इन सभी के इंटरव्यूज़ मेट्रो सिटीज़ में ही होते हैं, लाइक अगर एमपी की बात की जाए, आई एम फ्रॉम एमपी, तो एमपी में स्पेशली भोपाल में ही विस्तारा के इंटरव्यू हुआ करता था, ओनली विस्तारा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो तो वो कैंपस इंटरव्यूज़ करवाते हैं, कैंपस में आते हैं वो लोग इंटरव्यूज़ लेने, अगर एमपी की बात की जाए, मुझे बाहर का नहीं पता है, बट हाँ एमपी के बाहर की बात करेंगे, मैं कैंपस की बात नहीं कर रही हूँ, अदर देन जो ओपन इंटरव्यू होता है सबके लिए, तो वो बाहर मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में लाइक बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में इनके इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ कैसे चेक करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप एक बार जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मोहित चौधरी जी का, एंड वो लिखते हैं कि मोनिका जी, गोएयर में बॉयज़ को भी सेलेक्ट करते हैं क्या? तो यस, गोएयर में बॉयज़ को भी सेलेक्ट किया जाता है, पर एक्चुअली ये जो कोरोना वाली जो सिचुएशन अभी आई है, इसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लाइक ऑलरेडी काफ़ी सारे क्रू हो चुके हैं गोएयर के पास, तो इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे थे, और आ भी रहे थे तो वो स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के लिए ही आ रहे थे और बॉयज़ के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन गोएयर बॉयज़ को सेलेक्ट करता है, काफ़ी जल्दी ये सिचुएशंस ख़त्म होने वाली है, एंड अगेन फिर से इंटरव्यूज़ स्टार्ट होंगे, तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों को हायर करती है मेरी एयरलाइन, आप चेकआउट कर सकते हैं जब भी सिचुएशन ठीक होती है, आप उनके करियर वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, एंड बॉयज़ के लिए स्पेशली सिर्फ दो ही एयरलाइंस है, गो एयरलाइंस एंड विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है, इंडिगो एंड स्पाइस इज़ फॉर ओनली गर्ल्स, एंड पहले जेट एयरवेज भी हुआ करता था जो बॉयज़ को सेलेक्ट करता था, लेकिन अभी वो बंद हो चुके हैं एयरलाइंस, सो बाकी
उसका नहीं पता. सो एज अ डोमेस्टिक सिर्फ दो ही एयरलाइंस है जो लेती है बॉयज़ को भी. एंड गाइज आप इंटरनेशनल में भी ट्राई कर सकते हो. सो ये था आज मेरे कमेंट्स के जो मैंने आपको जवाब दे दिए हैं. एंड काफ़ी सारे कोई छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं लोगों को. सो अगर ऐसे कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तो मैं उन पर वीडियो बनाऊंगी. ओके, आपका नाम लेके स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ इस वीडियो में जवाब दूंगी इस क्वेश्चन का. सो आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ डाउट आपके थोड़े से क्लियर हुए हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन. सो गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आ रही हूँ. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर.